हाय गाइस गाइस, आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं ये सेकंड पार्ट है अर्चना की स्टोरी का। इसे हमें शशांक खरे ने भेजा है। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले, आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप प्लीज़ मुझे उस स्टोरी को ईमेल कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर सेंड मत कीजिएगा। तो अगर आपके पास स्टोरी है तो आप प्लीज़ मुझे उस स्टोरी को ईमेल कर दें। तो चलिए हम आपको अर्चना की आगे की स्टोरी सुनाते हैं। सर्दियों में अर्चना कुछ दिनों के लिए अपने माँ के घर गई। घर पहुँच कर माँ ने अर्चना को गले से लगाया और चाय नाश्ता करवा कर कहा कि सफ़र से आई है, थोड़ा आराम कर ले, फुर्सत में बैठ कर बातें करते हैं। फिर रात में काम निपटाने के बाद माँ ने अर्चना का हाल चाल लिया कि बता कैसी है, कैसी कट रही है ज़िंदगी, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अर्चना ने बताया कि सब बढ़िया चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और मेरा स्कूल भी बढ़िया चल रहा है। कई सारे फ्रेंड हैं और एक स्पेशल फ्रेंड है शाहिद, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटे मोटे सभी काम सब हो जाते हैं और वो मेरा पर्सनली बहुत ध्यान रखता है। तब अर्चना की माँ बोली, स्पेशल फ्रेंड शाहिद? तब अर्चना ने कहा, हाँ माँ, अब तो जानती ही हो, अकेले जीवन नहीं कट रहा था और जिससे मन मिले ऐसे लोग भी कम ही मिलते हैं। अगर सब ठीक चला तो आगे का जीवन इसके साथ ही बिताएंगे। फिर माँ बोली, जो करना सोच समझ कर करना, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, अच्छा ही डिसीजन लोगी। अर्चना ने कहा, माँ मैं शाहिद को यहीं किसी बहाने से बुलवा लेते लूँगी, तुम देख कर समझ लेना। और तब अर्चना की माँ बोली, ठीक है बुलवा लो। फिर एक दिन अर्चना की माँ ने कहा, अर्चना तू खाना बना ले, मैं बच्चों को नहला देती हूँ। अर्चना ने कहा, ओके आप नहला दीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। फिर माँ ने दोनों बेटों को बुलाया और नहलाने लगी। जैसे ही दोनों के कपड़े उतारने लगी तो नानी बच्चों की नुनू को खुले हुए टोपी देखकर बोली, अर्चना ये बच्चों की नुनू को क्या हो गया है, इनकी टोपियाँ कैसे खुली हुई हैं? तब अर्चना ने कहा कि मैं माँ खराब लग रहा है क्या? तो अर्चना की माँ ने कहा, नहीं खराब तो नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? तो अर्चना ने कहा, मैंने इनकी चिड़िया उड़वा दी। तो अर्चना की माँ बोली, ये क्या होता है चिड़िया उड़वाना? तो अर्चना बोली, माँ मैंने इन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए सही डिसीजन लिया है और इनका खतना करवा दिया है। तब माँ बोली, खतना तो मुसलमान करवाते हैं। तो अर्चना ने कहा, हाँ माँ, लेकिन जहाँ से भी कुछ अच्छा सीखने को मिले उसे फॉलो करना चाहिए। फिर अर्चना ने बताया कि नुनू की आगे की स्किन हमेशा गीली रहने के कारण उनमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और इन्फेक्शन पनपते हैं, और जब ये इन्फेक्शन वाला नुनू वेजीना में जाता है तो फीमेल की वेजीना में भी इन्फेक्शन कर देता है। लगभग 40% लेडीज़ वेजीना इन्फेक्शन से परेशान रहती हैं और किसी से कुछ बताती भी नहीं हैं। और अगर इस एक्स्ट्रा फॉर स्किन को हटवा दो तो नुनू हमेशा सूखी हुई रहती है, जिससे भविष्य में यानी फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता। 100 रोगों का एक छोटा सा उपचार है तो इससे बेस्ट क्या होगा? मुसलमान इसे प्रैक्टिस करते हैं ये अलग बात है, लेकिन इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। यहूदी क्रिश्चियन भी सर्कमसीजन करवाते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा है। लगभग 30% पुरुषों में पेनिस फॉर स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। लड़के परेशान रहते हैं लेकिन
किसी को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अजीब से रिएक्शन देते हैं और खुलकर चर्चा ना होने के कारण काफ़ी लोग इस समस्याओं से के साथ जीते हैं। फिर या फिर चोरी चुप्पे अपने दोस्तों से चर्चा करके इसके समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। अर्चना की बातें सुनने के बाद अर्चना के भाई ने कहा, हाँ माँ दीदी सही कह रही है, मुझे भी टाइट फॉर स्किन की प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर को दिखाने में भी शर्म आती है। मैंने दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया था कि खतना करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग क्या सोचेंगे, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं किया। माँ ने कहा, अरे पागल, हम लोग के समय इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, तो कोई इतना नहीं जानता था, लेकिन आज तो सब जानते हैं तो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो तू कहाँ इतना दिमाग लगा रहा था, अर्चना तू इसे डॉक्टर के पास ले जा और इसका भी सर्कमसीजन कर, वो क्या कहते हैं, खतना जो भी है करवा दे। फिर दो दिन बाद अर्चना अपने भाई को डॉक्टर के पास दिखाने को लेके गई और डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि 30 मिनट लगेगा, मैं अभी इसकी टाइट फॉर स्किन कट करके सर्कमसीजन कर देता हूँ। फिर अर्चना के भाई ने अपनी दीदी को थैंक्स बोला और कहा, दीदी मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करूँ, आपने तो मिनटों में प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी। फिर अर्चना ने कहा, पढ़ाई लिखाई की है तो अनपढ़ों जैसा क्यों सोचते हो, इतना सोचोगे प्रॉब्लम उतनी जटिल होती जाएगी, पॉजिटिव सोच रखो अपनी। अर्चना की आगे की स्टोरी सच में मोटिवेशनल है, बहुत अच्छी है। तो गाइज अर्चना की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, आप जिसे हमें शशांक ने भेजा था, शशांक थैंक यू। और गाइज आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको अर्चना की स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, मोटिवेशनल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, बिल्कुल मोटिवेशनल स्टोरी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।